तेरे होते आका तेरे होते तेरे होते जन्म लिया होता। ये कलाम आपको आपको ये कलाम अभी तक नहीं आप तक पहुंचा होगा, लेकिन मैं पहुंचा रहा हूँ। सुने है कि नहीं, सुने दिल लगा के। तेरे होते आका तेरे होते जन्म लिया होता। आप भी पढ़ सकते हैं। तेरे होते जन्म लिया। सलामत रखे इन भाइयों को जो मोहब्बतें पेश कर रहे हैं। दिल लगा के सुने। तेरे होते आका तेरे होते जन्म लिया होता। फिर कभी तो आका फिर कभी तो आका फिर कभी तो तुझे मिला कभी तो तुझे मिला होता। फिर कभी तो तेरे होते जन्म लिया होता। ऐ मेरे आका, काश मैं अगर आपके होते हुए पैदा होता, जमीन पे आया होता, तो मैं भी आपका दीदार कर लिया होता। दीवाने कहते हैं आगे चल के क्या इश्क देखे दीवानों की। जर्रा होता मैं तेरी राह हो मुस्कुरा रहे हैं। पेश करता हूं। सुनिएगा। जर्रा होता मेरे आका का मेरे मौला मेरे दाता। जर्रा होता मैं तेरी राह होगा। जर्रा होता मैं तेरी राह होगा। तेरे कदमों आका तेरे कदमों आका तेरे कदमों को चूमता होता। तेरे कदमों को चूमता होता। तेरे कदमों पढ़िए तेरे कदमों पढ़िए तेरे कदमों पढ़िए तेरे कदमों पढ़िए तेरे कदमों को चूम। पूरी रात आपने अभी तक ऐसा दिल खोल के नहीं पढ़ा होगा। वैसे जबरदस्ती तो लोग पढ़वा लेते हैं, लेकिन आपने आप जिस तरह अभी पढ़ रहे हैं पूरे जलसे में आपने नहीं पढ़ा होगा। जरा दिल लगा के पढ़े। बहुत मकबूल मिश्रा है कि तेरे कदमों को चूमता। तेरे कदमों एक शेर सुनाता हूँ। सुनिएगा। आप आते मेरे जनाजे पर सुने आका मेरे मौला मेरे दादा। आप आते मेरे जनाजे तेरे होते आका तेरे होते ही मर गया होता। तेरे होते ही मर गया होता। पढ़िए तेरे होते ही मर होता। और सुने चांद को देखें नजर में रखें और शेर सुने। दीवाना कहता है मेरे आका अगर मैं चांद ही होता तो फिर क्या होता मेरे साथ। सुने चांद होता मैं आसमानों पर चांद होता मैं आसमानों पर चांद होता मैं आसमान। तेरी उंगली आका तेरी उंगली आका तेरी उंगली
कट गया हो तारा, तेरी उंगली से कट गया हो तारा, तेरी उंगली से कट गया हो तारा, तेरी उंगली से कट गया हो आका, तेरे कदमों को चूम हो तारा, तेरे कदमों तू चला कर ता मेरी पलकों पर, तू चला चला करता मेरी पलकों पर, कैसे काश में आका, काश में तेरा रास्ता होता, काश में तेरा रास्ता होता, काश में तेरा रास्ता होता, काश में तेरा मेरे आका, मेरे मौला, मेरे दाता। एक मतला एक शेर माँ के हवाले से, एक खूबसूरत मतला मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद आखिरी कलाम यही है। समाज से मैं मोहब्बत के साथ हुक्म वाए पेश करता हूँ, सुने जरा, कह दें सुभान अल्लाह। जिनकी माँ दुनिया में है वो माँ के उम्र लंबी होने के लिए एक मरतबा कह दे सुभान अल्लाह, और जिनकी माँ दुनिया छोड़ गई है वो उनके जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम मौला मौला अता फरमाए, उनके लिए एक बार कह दे सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ, जिनकी माँ दुनिया छोड़ गई है, मैं उन बेटों से कहना चाहता हूँ कि दिल लगा के सुने, आप सुनेंगे आपका दिल किस कदर जार-जार होता है, किस कदर तड़पता है। पेश करता हूँ सुनिएगा, याद आती है बहुत तेरी ऐ मेरे अम्मी जा, याद आती है बहुत तेरी ऐ मेरे अम्मी जा, लौट कर आ जाओ माँ, याद आती है बहुत तेरी ऐ मेरे अम्मी जा, लौट कर आ जाओ माँ, कौन है किसको सुनाओ, कौन है किसको सुनाओ, कौन है किसको सुनाऊंगा मैं गम के दास्ता, लौट कर आ जाओ माँ, लौट कर आ जाओ माँ, लौट कर आ जाओ माँ। शेर सुने, अगर दुनिया में दुनिया की सारी दौलतें घर में हो, अगर माँ ना हो तो फिर वो घर वीरान सा लगता है। मैंने कहने की कोशिश की है, समाप्त कीजिएगा, दिल लगा के सुने। यूं तो सब है पास लेकिन दिल मेरा लगता नहीं, यूं तो है सब पास लेकिन दिल मेरा लगता नहीं, रात दिन रो आंसू मेरा रुकता नहीं, रात दिन रोता हूँ बस बस आंसू मेरा रुकता नहीं, तेरे बिन सुना है घर, तेरे बिन सुना है घर आंगन, ऐ मेरे प्यारी माँ लौट कर आ जाओ माँ, तेरे बिन
जाऊं। आखिरी शेर समाज के नजरा कहते हैं सुभान अल्लाह, और एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। सुने बढ़ गई बेचैनिया अब नींद भी आती नहीं, बढ़ गई बेचैनिया अब नींद भी आती नहीं, तेरी सूरत अब कहीं हाँ तेरी सूरत अब कहीं मुझको नजर आती नहीं। थक चुका हूँ थक चुका हूँ ढूंढ कर मैं, थक चुका हूँ ढूंढ कर बदला हो अब ढूंढूं कहाँ, लौट कर आ जाओ माँ, लौट कर आ जाओ माँ, लौट कर आ जाओ माँ, लौट कर आ जाओ माँ। थक चुका हूँ ढूंढ कर बदला ओ अब ढूंढो कहा, लौट कर आ जाओ माँ। हाल दिल दिल किसको सुनाए माँ तेरे जाने के बाद, हाल दिल किसको सुनाओ माँ तेरे जाने के बाद, खुद को मैं कैसे संभालूं माँ तेरे जाने के बाद, खुद को मैं कैसे संभालूं माँ तेरे जाने के बाद। छोड़ कर जब से गए तो छोड़ कर जब से गए तो हो गया सुना जहाँ, लौट कर आ जाओ माँ, लौट कर आ जाओ माँ। कौन है किसको सुनाओ, कौन है किसको सुनाऊंगा मैं गम के दास्तां, लौट कर आ जाओ माँ, लौट कर आ जाओ माँ। सुभान अल्लाह सुभान। मैंने पढ़ने के दौरान आपसे कुछ बातें की, अगर आपको तकलीफ हो तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हुजूर की महफिल है, आप अगर नहीं सीख पाए अभी तक इतने जलसे सुनने करने के बाद भी तो फिर क्या फायदा है कि नहीं। अगर किसी को तकलीफ हुई तो मुझे माफ कीजिए।